मैम म्यूजिक सही आ रहा है? म्यूजिक की आवाज सही आ रही है? जैसे एंड कर लीजिए प्लीज, म्यूजिक ज्यादा तो तेज नहीं है। स्वागत है, सब लोग ध्यान में बैठ गए हैं। थैंक यू सो मच मैम। आप अपने बारे में कुछ बताइए और सबको ध्यान करवाइए। जरूर जरूर मैम। सबसे पहले तो मेरा सबको प्यार भरा नमस्ते एंड थैंक यू हेमलता मैम और ममता मैम मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। मैं आप सभी जितने भी मास्टर यहाँ मौजूद हैं आप सबसे क्षमा चाहूंगी कि थोड़ा सा मेरे घर में लाइट का प्रॉब्लम हो गया अचानक, इसलिए मैं कैमरा नहीं ऑन कर पा रही हूँ। जैसे ही वो ठीक होता है मैं ज़रूर आप सबको देख पाऊंगी और आप मुझे देख पाएंगे। तो मैं बताती हूँ अपने बारे में, मेरा नाम सुप्रिया अरोड़ा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं पिछले 2 साल से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से जुड़ी हुई हूँ। मुझे तो तकरीबन 8 साल हो गए हैं ध्यान करते हुए, लेकिन PSSM से जुड़े हुए मुझे 2 साल हुए हैं और अनेकों अनुभव मुझे यहाँ हुए हैं। मेरी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और वैसे मैं एक ग्रैंड मास्टर रेकी हीलर हूँ, मैंने न्यूमरोलॉजी नेचुरोपैथी वास्तु ये सब कुछ किया हुआ है, काउंसलिंग भी करती हूँ, इनर चाइल्ड हीलिंग भी करती हूँ और भी बहुत कुछ अभी मैं सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए, मेरे साथ ध्यान करने के लिए। और जब से हमारे पिता महापत्री सर ने अपना शरीर छोड़ा है तब से मुझे एक आध बार ही मौका मिला ग्रुप में ध्यान करने का। आज मुझे मौका मिला है आप सबके साथ ध्यान करने का, तो क्यों ना आज हम जो आधा घंटा ध्यान करेंगे हम सब पिता माँ को धन्यवाद करें अपनी तरफ से। उन्होंने हम सबको इतना सब कुछ दिया है, ध्यान दिया, शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, और मेरे लिए तो वो मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त की तरह हैं। मैं ज़रूर आपसे बताऊंगी कि पत्री सर ने कैसे कैसे कितना कुछ बदलाव किया मेरी ज़िंदगी में, इतना कुछ सीखने को मिला उनसे। तो चलिए फ्रेंड्स हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं। आप सब जानते ही होंगे कि हमें अपने हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है, आंखों को बंद करना है और अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पर रखना है।
जो लोग चश्मा पहनते हैं वो कृपया प्लीज चश्मा निकाल दीजिए। कोई और सोच नहीं, कोई विचार नहीं, आपका पूरा ध्यान आपकी स्वाभाविक सांसों पे होना चाहिए। और आज हम सब अपने दिल से, अपने मन से एक ग्रैटिट्यूड की भावना, एक एक शुक्राने की भावना, धन्यवाद का भाव पिता महापतिम सर की तरफ रखते हुए ध्यान करेंगे। आती और जाती हुई सांस को महसूस करें। बाबा आप ध्यान में उतरे उतरते जाएंगे, उतनी ही शांति का अनुभव आप करते जाएंगे, उतना ही जुड़ाव आप महसूस करेंगे अपने आप के साथ, प्रकृति के साथ, पिता महापत्री जी के साथ। वो बदन धीमी धीमी अंदर ही और गहरे आप उतरते जाएंगे। तो दिल, दिल से बात करनी है।